किसमें कितना है दम, जो कोई सुपर बाइक। इधर ये देखो जुपिटर 125 और इधर एंटॉर्क 125, इसमें मिलता है 2 वॉल्व इंजन और इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन। एंटॉर्क क्लिक कर आएगा, टीवीएस के शोरूम गए होगे जुपिटर लेने, लेकिन वहाँ आपको एंटॉर्क दिख गया होगा, या फिर एंटॉर्क लेने गए होगे वहाँ पर जुपिटर दिख गया। दोनों ही 125 सीसी के सेगमेंट के हैं, जुपिटर 125, एंटॉर्क 125। लेकिन किसे लें, किसे लेना समझदारी होगा, इनके बेस वेरिएंट में 2000 रुपये का अंतर है केवल। और अभी अपने साथ में इनके दोनों के ही टॉप एंड वेरिएंट खड़े हुए हैं, जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट और एंटॉर्क 125 XT। तो ऑन रोड आते आते ये अंतर जो है टॉप एंड वेरिएंट में 9000 रुपये का हो जाता है। एंटॉर्क और जुपिटर के बीच में आज के इस वीडियो में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें किस स्कूटर की तरफ जाना चाहिए, किसे लेना ज़्यादा समझदारी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। कलर आपको इन दोनों ही स्कूटर में मल्टीपल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो इनका XT वाला है उसमें आपको नियॉन कलर ही मिलेगा, और जो इनका ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट एडिशन है इसमें भी दो ही लिमिटेड कलर मिलेंगे। यदि आप इनके और अदर वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, क्योंकि यहाँ पर अपन को फ़र्क देखने को मिलता है। ये स्कूटर 108 kg का है, 108 किलो का, और ये स्कूटर 116 किलो का है, यानी कि 8 किलो का अंतर है। ये हल्का है, ये भारी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो इसमें मिलती है 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और इसमें मिलती है 155 mm की। इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। सीट हाइट की अगर बात की जाए, इसकी सीट हाइट है 765 mm की और इसकी सीट हाइट है 770 mm की। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। जिस किसी की भी हाइट ज़्यादा कम है उसके लिए जी ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ये है इनकी प्रॉपर राइड प्रोफाइल, फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अलग से ही फ़र्क समझ में आ रहा है। ये स्पोर्ट्स सेगमेंट का स्कूटर है और ये एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो अपन देख लेते हैं आज के इस वीडियो में, समाधान मिल जाएगा जरूर से। ये देखो, फुल LED हेडलैम्प सेटअप है, डुअल टोन में कलर है, स्मार्ट एक्स की कनेक्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग है। यहाँ पर इंडियन फ्लैग स्टिकर मिलता है, जो कि अपन को इसमें नहीं मिलता है, ये अपन को अपाचे में भी मिलता है, ठीक है। सैटर्न इंडिकेटर, इधर ये देखो हज़ार लाइट का फीचर है, और इसके इग्निशन के ऑन होते ही ये देखो इसमें भी हज़ार लाइट का फीचर दे दिया है कंपनी ने। DRL इसमें भी मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं। इसमें थोड़े बहुत क्रोम मिल जाते हैं यदि आप क्रोम के शौकीन हैं तो, और इसमें क्रोम वगैरह अपन को नहीं मिलता है। 125 की ब्रांडिंग, इधर ये देखो। हेडलाइट की अगर बात की जाए, दोनों ही स्कूटर में अपन को रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें, और इसमें भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो ये मेटल में है और ये फाइबर में है। दोनों ही स्कूटर में 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन फ़र्क है इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील है और इसमें नॉर्मल अलॉय व्हील मिलते हैं। टायर की अगर बात की जाए, सेम कंपनी के हैं, TVS कंपनी के ट्यूबलेस टायर। नहीं मान रहे हो, चलो दिखा देता हूँ। ये देखो TVS, यहाँ पर भी देख लो TVS, लेकिन इसमें रेमोरा सीरीज के हैं, उसमें नॉर्मल है। इसका साइज है 180/12 और इसका साइज है कांगे साइज 90/90/12, ठीक है। इसके ज़्यादा चौड़े टायर हैं, पूरे टायर में ग्रिप्स। ये देखो ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, SBT मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। दोनों ही स्कूटर में फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें पेटल डिस्क है और इसमें ये नॉर्मल रोटर लगा हुआ है। ये देखिएगा, पैर रखने के लिए इतना स्पेस मिल जाता है और इधर कितना मिल जाता है। इसका थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसमें थोड़ा सा अपन फ्री रख सकते हैं, पैर रिलैक्स मिल जाएगा ज़्यादा, ठीक है। और फ्यूल लेड इसमें लेफ्ट साइड में दिया गया है, 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इग्निशन इधर ये दिया गया है और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ही दिया गया है फ्रंट में। और ये देखो इधर ये स्टोरेज मिल जाता है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर अपन को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सादा सिंपल, एक हुक इधर, एक हुक इधर, चाबी ये देखो कुछ इस तरीके की मिलती है। नॉर्मल है यार, 126,000 रुपये खर्च करेंगे, वेप भी मिलनी चाहिए थी। ये देखो इसमें भी नॉर्मल है, 117-118 खर्च करेंगे। तो हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और इसका कुछ इस तरीके का है। फीचर बटन देख लेते हैं लेफ्ट हैंडल पर,
लो बीम हाई बीम पासिंग, सैटर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हजार्ड लाइट, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन और इसमें वॉइस असिस्ट भी मिलता है XT की ब्रांडिंग। इसके फीचर बटन देख लेते हैं, लो बीम हाई बीम पासिंग, सैटर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हजार्ड लाइट बटन, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। चाबी के ऑन होते ही जुपिटर के मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जुपिटर की ब्रांडिंग आती है, आपका नाम लिखकर आएगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। और एंटॉर्क के मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, ये देखिएगा, TVS रेसिंग, एंटॉर्क लिखकर आएगा, आपका नाम लिखकर आएगा और भी बहुत कुछ। दोनों में ही सेम मीटर मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो हैं एंटॉर्क में अपन को मिल जाती हैं, जैसे कि लैप टाइमर मोड वगैरह, स्पोर्ट मोड, ठीक है, ये देखो लैप स्टार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अपन को इसमें एडिशनल मिल जाती हैं जो कि रेसिंग से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही स्कूटर में अपन को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड मिल जाता है, साइड पैनल, इधर ये देखो जुपिटर 125 और इधर एंटॉर्क 125, सिंगल सीट ऑफर की गई है, इसमें भी सिंगल सीट है लेकिन इसकी सीट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, इसकी सीट थोड़ी सी छोटी दी गई है, थोड़ी सी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ग्रेवरिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इधर ये ग्रेवरिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, बैक सपोर्ट मिल जाता है अपन को दोनों में ही, ये देखिए अपन लेडी फुटपैड लगवा सकते हैं। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जी हाँ, इनके इंजन की। यहाँ पर अपन को स्लाइटली एक फ़र्क देखने को मिलता है, कॉमन है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें मिलता है 2 वॉल्व इंजन और इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन, यहाँ पर ये डिफरेंस है। और अब जान लेते हैं इनके पावर एंड टॉर्क के बारे में। जुपिटर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.04 BHP की 6500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 4500 RPM पर। वहीं दूसरी ओर एंटॉर्क के इंजन की मैक्सिमम पावर है 9.25 BHP की 7000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। भाई इन दोनों के टॉर्क जो हैं वो सेम है, पावर में अपन को फ़र्क देखने को मिलता है, इसमें पावर ज़्यादा मिलती है और इसमें कम पावर मिलती है। दोनों ही स्कूटर में अपन को कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, इसमें भी हाइड्रोलिक है लेकिन ये मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है, इसका ये फिक्स है। दोनों ही स्कूटर में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें रियर टायर साइज है 110/80/12, ठीक है, रेमोरा सीरीज़ का है, ट्यूबलेस है, रियर टायर में ग्रिप्स। जुपिटर की अगर बात की जाए तो इसमें भी TVS कंपनी का ही है लेकिन रेमोरा सीरीज़ नहीं है इसमें, और रियर टायर साइज है ये देखो 90/90/12 और रियर टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी है। दोनों स्कूटर की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ये देखिएगा, दोनों में ही हज़ार लाइट मिल जाता है, टेल लाइट दोनों में ही LED में मिलती है, इसका सेप कुछ ऐसा है और इसका सेप कुछ इस तरीके का है। इधर ये TVS की ब्रांडिंग है, इधर ये TVS की ब्रांडिंग है, इधर ये फ्यूल लीड दिया गया है, इसमें 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और इसमें 5.1 की है, इसमें ज़्यादा पेट्रोल बनेगा, ठीक है। दोनों में ही हज़ार लाइट का फीचर है, हैलोजन बल्ब के साथ में, जुपिटर 125 की ब्रांडिंग, इधर ये एंटॉर्क 125 की ब्रांडिंग XT। इसका रियर टायर साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर साइड अंधेरा था, रोशनी नहीं आ रही थी, अरे कहाँ गया यार, ये देखो 90/90/12। एग्जॉस्ट का पैटर्न इसका कुछ ऐसा है और इसका कुछ ऐसा है, थोड़ा सा स्पोर्टी करेक्टर तो है ही भाई उसमें, ठीक है। फैन कूल इंजन रेड कलर में है और इसमें ये देखो डिटेलिंग देखो नियॉन में दिया गया है। चलो भाई डिटेल कंपेरिजन अपन ने कर लिया, बूट स्पेस देख लेते हैं किसमें ज़्यादा, किसमें कितना है दम, ये खोल लिया यहाँ से, ये देखो एक हेलमेट रखो चाहे दो हेलमेट रखो, एक हेलमेट रखो चाहे अपना और एडिशनल सामान रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़े ही मज़े। और यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसकी चाबी निकालनी पड़ती है, उसमें वहीं से खोल सकते हैं, उतरो, हालांकि डिग्गी खोलने के लिए वैसे ही उतरना पड़ेगा, ये देखो इसकी कहानी ये है। और इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये देखो इतना स्पेस है इसमें,
एक ही हेलमेट आ पाएगा और एक्स्ट्रा कोई भी सामान नहीं आएगा, ठीक है। और यहीं से इसके फ्यूल लिड को खोल सकते हैं। चलो इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर इंसर्ट, और बताइए आराम से होगा इसका फ्यूल लिड यहाँ से खुल सकते हैं। पुश किया, ये देखो ये खुल गया, ठीक है भाई। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सबसे पहले जुपिटर, ये लो, मीटर चालू नहीं हो पाया, जुपिटर चालू हो गया। ये देखो एलईडी हेडलाइट है, लो बीम हाई बीम भी देख लो, इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोट सुनो, स्पीडोमीटर का कनेक्शन रियर व्हील से है, इंजन किल स्विच नहीं है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप है। एंटर का साउंड सुनाता हूँ, ये रेस कनेक्ट एडिशन है, इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये लो, ऐसा लगता है जैसे बाइक स्टार्ट हो रही हो, कोई सुपर बाइक। आइडियल कंडीशन पर देखो यार कितना ज़्यादा लाउड है, कितना ज़्यादा बेसी है। इस वाले में इंजन किल स्विच मिलता है, इस वाले में नहीं मिलता है। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही टीवीएस कंपनी के स्कूटर हैं, सेम वारंटी है, 5 साल और 50,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। चाहो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपन को स्लाइटली फर्क देखने को मिल सकता है, इससे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 के आसपास, और इससे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 से 50 के आसपास। तो यहाँ पर अपन को 4-5 किलोमीटर का फ़र्क देखने को मिल जाता है, इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें डेफिनेटली कम मिलेगा। बात कर लेते हैं इनके सर्विस की, कंपनी अपने दोनों स्कूटर पर 4 सर्विस फ्री देती है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, कोई कमी नहीं है। इसकी एक्सो रूम स्टार्टिंग हो जाती है बेस वेरिएंट की 83,000 रुपये, और इसके बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कितने से पता, 85,000, केवल 2,000 रुपये का अंतर है। बात कर लेते हैं जो स्कूटर अभी अपने साथ में खड़े हैं इनकी प्राइस क्या है। इसकी एक्सो रूम प्राइस है 98,000, इसकी एक्सो रूम प्राइस है 1,06,000, 6,000 ये, 2,000 ये, 8,000 रुपये का अंतर है। ऑन रोड भी अपन को यही अंतर देखने को मिलता है, इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,17,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,26,000 रुपये, 9,000 रुपये का अंतर हो गया, क्योंकि RTO और इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सा स्कूटर किसको लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुपिटर 125 किसको लेना चाहिए। यदि आप 2,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये अपने बचाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको हल्का स्कूटर चाहिए। तीसरी बात, यदि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए। चौथी बात, यदि आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए। पांचवी बात, पांचवा पॉइंट आप एड ऑन करते जाइए, आपको आगे की तरफ फ्यूल लिड चाहिए, ठीक है। और देख लेता हूँ यार, हाँ, USB पोर्ट आगे की तरफ चाहिए फ्रंट में, इधर ये बॉक्स चाहिए, ठीक है। और आपको ज़्यादा पावर से फ़र्क नहीं पड़ता है इसके लेवल पे। और यदि आपको फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्कूटर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं एंटॉर्क किसको लेना चाहिए। यदि आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, यदि आपको एरोडायनेमिक डिज़ाइन चाहिए, आपको इसके फ्यूल लिड से फ़र्क नहीं पड़ता है आगे या पीछे है, बूट स्पेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कम मिल रहा है या फिर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, हाँ थोड़ा कम्फर्ट और यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपने 2,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये, 10,000 रुपये तक एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तब आपके लिए ये स्कूटर बेस्ट रहने वाला है। एक एडवांटेज और है, इसमें आपको चौड़े चौड़े टायर मिल जाते हैं, फ्रंट वाला भी और रियर वाला भी। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, और आपने अपने लिए इनमें से एक बेस्ट स्कूटर भी सिलेक्ट कर लिया होगा। किसको सिलेक्ट किया है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, मैं आपको दे चुका हूँ, दोनों स्कूटर अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड बैकग्राउंड किया है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि आप इस सेगमेंट में कोई और भी स्कूटर लेना चाहते हैं, सुजुकी, हीरो, होंडा, उनके भी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं।
तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।